हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज का लेक्चर हमारा अग्रह के ऊपर ही है। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है, इसके पहले तीन लेक्चर इसके हो चुके हैं। अगर आपको वो डिटेल में पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूँ अपने ऐप के बारे में कि हमारी, अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पीजी आयुर्वेद प्रयोजना ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहीं पर ऐप पे आप स्टोर पर जाएंगे तो वहां पर आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है। संहिता ओनली सब्जेक्ट का है, संहिता का है कंबाइंड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 90 कंप्लीट कर लिया था हमने, 91 से आज स्टार्ट करेंगे। बला क्या होती है? बला संग्राहित वल्य वातहराणाम इसको बोला है। तो हम अकेला वल्य को मार्क करेंगे, इसी से हम कोड बनाएंगे, क्योंकि संग्राहिक संग्राहिक बहुत सारी जगह आने वाला है, कंफ्यूजन होगा उससे। तो देखिए, बला में वल्य है तो बाओरला यहां पर भी है, बाओरला यहां पर भी है, तो दोनों में बला में बल्य मैच हो रहा है तो याद हो जाता है। नेक्स्ट आता है अनंत मूल। अनंत मूल का ही पर्याय होता है सारिवा। और उत्पल कुमुद पद्म केसर, इन चारों के लिए एक ही टर्म आया हुआ है, संग्राहिक रक्त पित्त प्रशमनानाम, संग्राहिक रक्त पित्त प्रशमनानाम। देखो, संग्रहण का काम क्यों कर रहा है? शीतल है, संग्रहण रोकने का काम करता है। रक्त पित्त का शमन क्यों कर रहा है? शीतल है, इसलिए रक्त पित्त को रोकने का काम भी करेगा। तो देखिए, अनंत मूल है, उत्पल कुमुद पद्म केसर, ये सारे कमल के भेद हैं। तो कमल के भेद, कमल कैसा होता है? शीतल होता है। तो शीतल चीजें स्तंभन का काम कर रही हैं, रोकने का काम कर रही हैं। थोड़ा सा शारंगधर जी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, ग्राही और स्तंभन दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। ग्राही जो द्रव्य होते हैं उनका वीर्य उष्ण होता है। मैं आपको यहां से याद नहीं करा रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको ओनली ट्रिक के लिए बता रही हूँ, ठीक है? जबकि ग्राही द्रव्य जो होते हैं, आचार्य शारंगधर ने उष्ण वीर्य बोला है। स्तंभन जो द्रव्य होते हैं, जो स्तंभन करते हैं, वो शीत वीर्य द्रव्य होते हैं, ठीक है? इनका रस भी अलग होता है। जो ग्राही द्रव्य है वो कौन से रस के हैं, स्तंभन वो कौन से रस के, अलग अलग रस है, ठीक है? वीर्य आप यहां से याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है पुष्कर मूल। पुष्कर मूल हिक्का श्वास कास पार्श शूल हराणाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा भी गया है। जब आपने चरक सूत्र स्थान का फोर्थ चैप्टर पढ़ा होगा, षड विरेचन शताशती, वहां पर आपने पुष्कर किस किस में पढ़ा था? पुष्कर मूल हिक्का वाले में और श्वास वाले में पढ़ा था, कास में नहीं पढ़ा था, कास महाकषाय में नहीं पढ़ा था आपने, हिक्का महाकषाय में और श्वासग्न महाकषाय इनमें पढ़ा था पुष्कर मूल। लेकिन यहाँ पर तीनों चीजें हैं। आपसे पूछा जाए हिक्का श्वास कास पाशुल को हरने में श्रेष्ठ कौन सा द्रव्य है? पुष्कर मूल है। याद कैसे करेंगे? पुष्कर नाम का कोई लड़का है, उसको क्या है? तीनों डिसीज है। तीनों, ये जो तीनों डिसीज होती है, अपन इनको भाई बहन बोलते हैं। तीनों भाई बहन हिक्का श्वास और काश हमेशा साथ में ही आते हैं, ठीक है? पुष्कर को हिक्का श्वास काश तीनों प्रकार के रोग हो गए हैं। हिंगू निर्यास छेदनीय है, दीपनीय अनुलोमन वात कफ प्रश्मनाना, हम अनुलोमन से याद करेंगे। जब छोटे बच्चों का पेट दर्द होता है ना, गांव में ऐसा प्रचलन में होता है ना, छोटे बच्चे का पेट दर्द है तो हींग को घोलकर पेट के ऊपर लगा देते हैं, वायु का अनुलोमन करता है हींग। याद हो जाएगा, हींग वायु का अनुलोमन करेगा। अम्लवेतस भेदनीय दीपनीय अनुलोमन बात श्लेष्म हराणाम, अब इसको हम भेदनीय से याद करेंगे। कैसे याद होगा? मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, छह प्रकार के रस होते हैं। ये क्या है? रस के भेद। तो अम्ल क्या होता है? एक रस का भेद होता है, तो भेद से ही शुरू हो जाएगा इसका श्लोक, भेदनीय दीपनीय अनुलोमन और वात श्लेष्म हराणाम।
नेक्स्ट आता है मधुयष्टि। मधुयष्टि में बहुत सारी चीजें हैं, मुलैठी है ना, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है मुलैठी, अगर आप जानते हो तो। यहाँ पे ज्यादा स्पेशल कोड तो नहीं बन पा रहा है, आप यहाँ से याद करते, षटकोण वाला शा यहाँ पर है, वृष में षटकोण वाला शा यहाँ पर है ना। तो वृष्य चक्षुष्य केश्य कंठ वर्ण विरंजनी और रोपणीय होता है मधुयष्टि। नेक्स्ट आता है यवक्षार, सृंसनी पाचनी अर्शुभनाना। यवक्षार को ओनली अपन क्षार पढ़े तो क्षार सूत्र लिख लो इसको, क्षार सूत्र। क्षार सूत्र हम कहाँ पर करते हैं, भगंदर में करते हैं, अर्श में करते हैं। देखो अर्शुभनाना दिया हुआ है और क्षार तीक्ष्ण होता है, सृंसन का काम करता है, जब किसी को दोगे रेचन करा देता है, ठीक है। तो क्षार सृंसन कर रहा है, अर्श में भी हम क्षार सूत्र का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है कूटाभ्यंग। कूटाभ्यंग कुष्ठ जिसको बोला जाता है, ड्रग है, डिसीज नहीं है, तो कूट बात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी ज्यादा पूछा गया है, उपनाह के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्य कुष्ठ है। उपनाह वात में बेस्ट होता है ना, उपनाह के लिए कुष्ठ है। कुष्ठ एक वातहर द्रव्य है, वात को हरने में श्रेष्ठ द्रव्य होता है कुष्ठ। नेक्स्ट आता है तद्वि संभाषा। तद्वि संभाषा ज्ञान वर्धक होती, बुद्धि वर्धना नाम इसको बोला है। तद्वि संभाषा को अगर हम मॉडर्न में बोले तो ग्रुप डिस्कशन होता है। जो हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो उससे ज्ञान की वृद्धि होती है, बुद्धि की वृद्धि होती है। लेकिन ग्रुप डिस्कशन हमको किनके साथ करना चाहिए, ज्ञानवान के साथ करना चाहिए, मूर्ख के साथ नहीं करना, नहीं तो जितना कुछ आ रहा है वो भी चला जाएगा। तो ज्ञान वर्धना नाम बोला है तद्वि संभाषा को। ज्यादा संभाषाएं आप अटेंड करोगे, डिस्कशन ज्यादा करोगे तो आपकी बुद्धि का वर्धन होगा। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आयु वर्धक होता, आयुष्याणाम। ब्रह्मचर्य का पालन करोगे आयु बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, शुक्र का शरण नहीं होगा, उत्तरोत्तर धातुओं का क्षय नहीं होगा, तो आयु और ज्यादा बढ़ेगी। दूसरे तरीके से आप कैसे याद कर सकते हो, ब्रह्मा जी आयुष्मान भव। ब्रह्मा जी वरदान देते हैं ना, क्या बोलते हैं मनुष्य को, आयुष्मान भव। तो ब्रह्मा जी का आयुष्य नाम हो गया। संकल्प मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था, वृश्य नाम है संकल्प के लिए। एक और चीज आता है नक्र रेतस, दोनों के लिए वृश्य नाम आता, मैंने आपको वहीं पर इसको याद करा दिया था। नेक्स्ट आता है स्त्री संयोग कामना वाजीकरण, और वहां पर यह भी बताया था स्त्री वाजीकरण में अग्र है, जबकि वृश्य में अग्र कौन है, नक्र रेतसो संकल्प। परस्त्री गमन अनायुष्याणाम। देखो ब्रह्मचर्य का जस्ट उल्टा है परस्त्री गमन। ब्रह्मचर्य में मैथुन का परित्याग कर रहे हैं तो आयु को बढ़ा रहा है, अब परस्त्री गमन में क्या हो रहा है, आयु को घटा रहा है, बढ़ा रहा ब्रह्मचर्य घटा रहा है परस्त्री गमन, इसको अनायुष्याणाम बोला है, अपोजिट हो गया। अति स्त्री प्रसंग, जब अति स्त्री प्रसंग होता है तो शोष कराणाम क्यों बोला है, मैथुन का परित्याग राजक्षमा के पेशेंट को बोला गया है। राजक्षमा कैसे होता है, अति मैथुन से होता है, आपने राजक्षमा के निदान में पढ़ा है। तो शोष मतलब क्या है, राजक्षमा ही तो है, तो शोष कराणाम होता है अति स्त्री प्रसंग। इसको संस्कृत में लिख लीजिए क्योंकि आगे जाके एक और चीज आने वाला है, वहां पे शोषणा नाम आता है तो कंफ्यूजन होता है, शोष कराणाम। रजस्वलागमन अलक्ष्मी मुखानाम। तो रजस्वला को अपन रज को अंडरलाइन करेंगे, रज को आप लिख लो रेत। रेत की मूर्तियां बनाई जाती हैं, रेत की लक्ष्मी जी की मूर्ति भी बनाते हैं, रज की लक्ष्मी की मूर्ति बनी, अलक्ष्मी मुखानाम। वस्ती तंत्राणाम, तंत्रों में श्रेष्ठ होता है वस्ती है ना, वस्ती तंत्र होता है। तत्र सेवन अभ्यास, तो तक्र तो आप हजार बार कहीं भी पढ़े होंगे,
ग्रहणी दोष में दिया जाता है शोफ अर्श घृत व्यापत प्रश्मना नाम। चरक सूत्र स्थान का 13 स्नेह वाला जो चैप्टर है वहां पर भी तक्र के व्यापद में सॉरी घृत के व्यापद में तक्र सेवन का निर्देश किया गया है। अर्श होता है ग्रहणी होता है उसमें तक्र दिया जाता है। क्रव्याद रसाभ्यास ग्रहणी दोष शोष अर्शकना नाम। याद कैसे करोगे साग याद करोगे SAG साग साग सब्जी सब्जी को क्या बोलते हैं साग बोलते सरसों का साग सुना ही होगा आपने। तो क्रव्याद की साग बना ली हमने क्रव्याद छोटे छोटे जानवरों की साग बना ली ऐसे हो जाएगा शोष ऐसे हो जाएगा अर्श जी से हो जाएगा ग्रहणी दोष इन सबको नष्ट करता है। शीर घृताभ्यास रसायनों में श्रेष्ठ बोला है शीर को रसायना नाम बोला है ना इसको याद कराने की वैसे जरूरत नहीं है ना सबको याद ही रहता है रसायनों में श्रेष्ठ होता है शीर और घृत। शीर घृत का अभ्यास जैसे आपने आचार रसायन पढ़ा है वहां पर औषध द्रव्य नहीं होता है वहां पर आहार द्रव्य होता है या नॉर्मल इसको हम द्रव्य भी बोलते हैं। आचार रसायन में दो ही द्रव्य डले हैं औषध द्रव्य वहां पे नहीं होता है वहां पर शीर और घृत डला होता है। तो आचार रसायन शीर घृत भी तो रसायन है ना तो रसायनों में श्रेष्ठ बोला इसको। सम घृत सत्तु प्राश अभ्यास वृश्य होगा उदावर्त हर होगा। सम घृत सत्तु घृत का घृत मिलाकर सत्तु का सेवन करेंगे तो वृश्य होगा। तेल गंडूष अभ्यास दंत बल रुचिकरणाम। तो जब तेल का गंडूष अपन धारण करेंगे तो दांतों को बल प्रदान करता है तेल क्या करेगा स्नेहन करेगा ना बल प्रदान करेगा तो दांतों को बल प्रदान करने का काम तेल गंडूष का है। यथा अग्नि भोजन अगर जैसी अग्नि है वैसा खाना खाओगे जैसे सुश्रुत जी ने बताया हुआ है मंदाग्नि में कैसा खाना खाना है दुर्बल में कैसा खाना है तीक्ष्ण में दोनों समय खाना है बताया है ना। तो यहाँ पर जैसी अग्नि है वैसा खाना खाओगे तो अग्नि को वृद्धि करेगा अग्नि संदुष्णाना। पिछली क्लास में मैंने आपको विषमाशन बताया था तो अग्नि वैषम्य कराणाम आया था गुरु विपाक कराणाम है ना मतलब गुरु मात्रा गुरु आहार खाओगे तो दुर्विपाक कराणाम बढ़ा था। अति मात्रा अशन आपको पढ़ाया था तो आम दोष को बढ़ा रहा था। एक काल अभ्यास बताया था तो सुख कराणाम था। तो सारे भोजन से रिलेटेड साथ में याद करिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होती है इसमें मैंने हर एक का कोड बनाकर आपको याद कराया। यथा साथ में चेष्टा भोजन सेव्य नाम। यथा साथ में सात्म का हमको सेवन करना चाहिए खाना चाहिए। यथा काल भोजन आरोग्य कराणाम जिस समय में खाओगे सुबह कितने बजे 10 बजे खाना है शाम को 6 बजे खाना है इसी समय में आप खाओगे तो आपको कभी भी कोई भी रोग नहीं होगा। यथाकाल भोजन और एक काल भोजन क्या था सुख परिणाम कराणाम। याद कैसे कराया था हमने कि जो ऋषि मुनि होते हैं एक समय खाना खाते हैं सुख से रहते हैं ठीक है। अजीर्ण में भोजन तो अजीर्ण में और खा लिया अजीर्ण है तो क्या हो जाएगा ग्रहणी हो जाएगा ग्रहणी विकार को उत्पन्न करता है ठीक है। प्रीवियस क्लास वाला बहुत अच्छे से देखिएगा यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया था भोजन भोजन वाला अति मात्रा है प्रमित आसन एक काल विषमाशन अनशन विरुद्ध है गुरु है सर्व है एक रसाभ्यास इसको आप रिवाइज करिएगा फिर इसके बाद ये वाला लेक्चर देखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। अजीर्ण में हो गया ग्रहणी आम दोष कब हो रहा था अति मात्रा में गुरु भोजन से दुर्विपाक हो रहा था ठीक है। नेक्स्ट आता है चंदन तो चंदन में दुर्गंध हर दाह निर्वापण लेपना नाम बोला है। तो चंदन क्या करता है जब किसी से स्मेल आती है बढ़िया से चंदन वंदन लगा ले दुर्गंधता चली जाती है चंदन शीतल होता है दाह का शमन करेगा। नेक्स्ट है रासना अगुरुणी रासना अगुरु क्या होता है उष्ण होता है उष्ण होगा तभी तो शीतलता का शमन करेगा ना। तो शीतापनयन प्रलेपना ना शीत को नष्ट करने का काम करता है अगुरु।
लामज्जा कोशील दाहत्व दोष स्वेद अपनयन प्रलिपानम। अब देखो लामज्जा कुशील शीतल है, लामज्जक जो कूलर होता है ना उसमें खस लगा रहता है लामज्जक, वही अपन समझ सकते हैं। तो जो कूलर होता है गर्मी के दिन हम चालू करते हैं तो पसीने को नहीं आने देता, दाहकता को शमन कर रहा है और पसीने को भी रोकता है कूलर, उसमें लामज्जक लगा रहता है। ठीक है, तो ये 120 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। 121 से अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, 152 टोटल है, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा पूरा फिफ्थ 5 लेक्चर में कंप्लीट हो गया है ना। इसी तरीके से जब आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हो हमारी, तो हम कंटिन्यू एक के बाद ऐसा स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, लाइव रहता है, आप लाइव में क्वेश्चन आंसरिंग भी कर सकते हो। चलिए, तो नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम 121 से पढ़ेंगे। थैंक यू।